Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to explain you the second play from your book Select One Act Play, Class 12, Punjab School Education Board, in the subject of elective English, and the name of the chapter is The Miracle Merchant by Saki. तो चलिए करते हैं इस प्ले को हिंदी में. द प्ले ओपन्स इन द कंट्री हाउस ऑफ मिसेज व्यू विसल. मिसेज व्यू विसल जो है उनके कंट्री हाउस में इस प्ले का जो है वो खुलता है. शी इज सिटिंग एट द राइटिंग टेबल, और वो एक राइटिंग टेबल पर बैठी हुई हैं. शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया है. लुइस स्कॉट सेट. हर नेफ्यू कम्स इन एंड आस्क हर वेयर मिस जेन मार्टलेट इज. अब इसमें सेकेंड कैरेक्टर आता है मिसेज व्यू विसल के बाद, लुइस स्कॉट सेट. और वो कौन है मिसेज व्यू विसल का? वो भतीजा है. और वो आके क्या पूछता है कि मिस जेन मार्टलेट कहाँ है. ठीक है, मिस जेन मार्टलेट जो है वो तीसरा कैरेक्टर है इस प्ले में. शी टेल्स हिम दैट मिस जेन मार्टलेट फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट अ मोमेंट बिफोर. और फिर वो उसे बताती हैं कि मिस जेन मार्टलेट ने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा समय पहले किया है. लुइस इज हैप्पी टू बी अलोन विद हिज आंट. और लुइस खुश है क्योंकि वो अपनी चाची के साथ जो अकेला है. ही आस्क हर फॉर अ लोन ऑफ 15 pounds, और वह उससे कहता है कि वो उसे जो 15 pounds है, 15 pounds जो है वो ऋण दे दे. मिसेज व्यू विसल इज़ नॉट इन दैट पोजिशन टू एडवांस दिस लोन. और मिसेज व्यू विसल इस पोजिशन में नहीं है कि वो उसे वो लोन दे सकें. शी टेल्स हिम दैट शी हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी रिसेंटली, और वो कहती हैं कि उसे अभी अभी बहुत पैसे खर्चने पड़े. सो शी इज़ हेल्पलेस, इसलिए वो क्या है, वो निसहाय है, हेल्पलेस है. शी देन टेल्स हिम दैट डोरा बेथॉल्स इज कमिंग ऑन थर्सडे. और फिर वो कहती है कि अब इसमें फोर्थ कैरेक्टर रहता है डोरा बेथॉल्स का. फर्स्ट कैरेक्टर था मिसेज व्यू विसल, दूसरा था लुइस कॉर्सेट, थर्ड थी जेन, एंड फोर्थ आ गया डोरा बेथॉल्स. ठीक है, वो क्या करती है, वो कहती है कि वो थर्सडे को आ रही है. लुइस सेज दैट द कमिंग ऑफ डोरा बेथॉल्स वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. और फिर वो कहता है कि लुइस कहता है कि अगर डोरा बेथॉल्स आ गई ना तो कोई समस्या खड़ी हो जाएगी. जेन मार्टलेट विल नॉट स्टे लेस देन अ फोर्टनाइट इन मिसेज व्यू विसल्स हाउस. जेन मार्टलेट जो है वो दो हफ्ते से पहले वहाँ से नहीं जाएगी, दो हफ्ते के लिए रुकेगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाई थर्सडे, और कहते कि थर्सडे तक उसे घर से बाहर जाना के लिए बोलना पॉसिबल नहीं है. मिसेज व्यू विसल डज नॉट नो वाई जेन मार्टलेट शुड लीव हर हाउस. और लुइस की इस बात का उसे समझ नहीं आता कि व्यू विसल को कि क्यों जेन मार्टलेट को उसका घर छोड़ देना चाहिए. शी बिलीव्स दैट जेन एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स, और उसका विश्वास है कि जेन और डोरा जो क्या है अच्छी दोस्त हैं. सो दे कैन स्टे टुगेदर पीसफुली, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी शांतिमय तरीके से रह सकती हैं. बट लुइस कॉर्सेट नोज दैट जेन एंड डोरा आर बिटर एनिमीज. लेकिन जो लुइस जानता है कि जो डोरा है और जेन है वो बहुत ही कटु दुश्मन हैं. दे हैव ऑलरेडी क्वारल्ड ओवर द हाई प्राइस ऑफ अ हैन, और वो एक जो मुर्गी है उसके ज़्यादा मूल्य पर पहले ही जो है झगड़ा कर चुकी हैं. दैट डोरा सोल्ड टू जेन, जो कि डोरा ने जेन को सेल किया था. ठीक है, एंड द हैन वॉज अ प्रॉन्ज लेगॉन और सम सच ब्रीड. जो वो जो मुर्गी थी वो ब्रॉन्ज लेगॉन थी और कुछ इसी तरह की कोई उसकी जो ब्रीड थी, किस्म थी. द हैन डिड नॉट ले एग्स, और जो हैन थी वो एग्स नहीं देती थी. सो दे रोट अब्यूजिव लेटर्स टू ईच अदर, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को जो है अपशब्द भरे जो पत्र लिखे. एज अ रिजल्ट दे बिकेम बिटर एनिमीज, और इसीलिए वो एक दूसरे के क्या हो गए, कटु दुश्मनी उनके बीच में हो गई. इवन देयर फ्रेंड्स फेल टू पैच अप देयर क्वारल, इवन उनके जो दोस्त थे या उनके जो अपने थे वो भी उनके उस झगड़े को ख़त्म नहीं कर पाए. मिसेज व्यू विसल रियलाइजेस दैट इट वुड नॉट बी गुड टू हैव बोथ जेन एंड डोरा अंडर द सेम रूफ एट द सेम टाइम. जब मिसेज व्यू विसल को इस बारे में पता लगता है कि उनके बीच में झगड़ा हुआ है, तो वो सोचती हैं कि एक ही छत के नीचे दोनों का रहना जो है मुनासिब नहीं होगा. मिसेज व्यू विसल इज़ नॉट इन दैट पोजिशन टू पुट ऑफ डोरा, और वो इस पोजिशन में भी नहीं है कि वो डोरा को घर से रहने की अनुमति ना दें. शी हैड ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हर विजिट वंस, और वो कहते हैं कि डोरा का वो पहले ही जो है
एक बार उसकी विजिट को पोस्टपोन कर चुकी हैं, तो इस बार जब वो आ रही है तो वो उसको अपनी विजिट को पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोल सकती. शी बिलीव्स दैट ओनली अ मिरेकल वुड मेक चेंज लीव बिफोर अ फोर्टनाइट. और फिर वो सोचती है कि 15 दिन से पहले या 2 हफ्ते से पहले जो चेन वहाँ से चली जाए ये तो चमत्कार ही होगा. लुइस टेल्स हिज आंट दैट ही वुड ट्राई टू सप्लाई अ मिरेकल एट अ शॉर्ट नोटिस. और फिर लुइस कहता है कि एक थोड़े से समय के लिए, कहते कि थोड़े से समय के बीच में ही वो जो एक मिरेकल करेगा, करने की कोशिश करेगा, एक चमत्कार करने की कोशिश करेगा. ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट इन मिरेकल. और वो कहता है कि वो चमत्कार करने में विशेषज्ञ है. ही होप्स टू गेट 20 pounds इंस्टेड ऑफ 15 फ्रॉम हिज आंट फॉर द फेवर ऑफ प्रोड्यूसिंग ए मिरेकल. और उसको क्या लगता है कि अगर वो इस तरह का चमत्कार कर देगा कि उसकी आंट जो है उसको उस तरह की मुसीबत से बचा देगा, तो फिर उसको 15 के बजाय कितने पाउंड्स मिल जाएंगे? 20 pounds. एट दिस पॉइंट जेन एंटर. इसी बिंदु पर जो जेन है वो प्रवेश करती है. मतलब नाटक का दृश्य ऐसा होता है कि जेन आ जाती है वहाँ पे. शी टेक्स अ कप ऑफ कॉफ़ी. और वो एक कॉफ़ी कप लेती है, कॉफ़ी का कप लेती है. सम टोस्ट, कुछ टोस्ट लेती है. एंड अ बटर जस्ट टू कीप लुइस कंपनी. और थोड़ा सा बटर लेती है किस लिए? ताकि वो लुइस की कंपनी कर सके. मिसेस व्यू विसल आस्क जेन टू अटेंड द मैकेंजी हबर्ट वेडिंग ऑन थर्सडे नेक्स्ट. और फिर मिसेस व्यू विसल कहती हैं कि वो मैकेंजी हबर्ट की वेडिंग जो कि नेक्स्ट गुरुवार को है उसे अटेंड करे. शी पॉइंट्स आउट दैट सेंट पीटर्स चर्च वेयर द वेडिंग विल बी हैट इज़ अ ब्यूटिफुल चर्च. और फिर वो कहती हैं कि सेंट पीटर्स का जो चर्च है ना, जहाँ पे ये शादी होने वाली है, वो बहुत ही सुंदर चर्च है. किसके लिए? फॉर वेडिंग्स. कि वहाँ पे शादियों के लिए ही वो बना है. बहुत अच्छा चर्च है. जेन डज नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ सिली वेडिंग. और जेन वहाँ पे नहीं जाना चाहती. शी प्रोमिसज टू गो एंड स्टे विद मिस हबर्ट आफ्टर शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम हर हनीमून. और फिर वो वादा करती है कि मैं शादी पे तो नहीं जाऊँगी, लेकिन जब मिस हबर्ट वापस आ जाएंगे अपने हनीमून से, तो उसके बाद वो क्या करेगी? कहती कि मैं फिर उनकी कंपनी कर लूँगी. मिसेस व्यू विसल गोज आउट टू डू सम गार्डनिंग. मिसेस व्यू विसल अब गार्डनिंग करने के लिए चली जाती हैं. जेन गोज ऑन ईटिंग. जेन खाती ही जाती है. लुइस कम्स. लुइस आता है. स्ट्रिच द बटलर ऑल्सो कम्स टू क्लियर अवे द ब्रेकफास्ट थिंग्स. अब जो एक नया कैरेक्टर आ गया स्ट्रिच, ठीक है, वो ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें हैं उनको टेबल से साफ़ करने के लिए आ जाता है. जेन आस्कर टू ब्रिंग सम हॉट मिल्क. और जेन उसे कहती है कि वो उसके लिए थोड़ा गर्म दूध ले आए. लुइस सिट्स नियर जेन एंड थिंक्स इट इज़ अ गुड चांस टू ट्राई हिज स्किल एट द मिरेकल. लुइस अब जेन के पास बैठ जाता है और वो सोचता है कि अभी यही मौका है कि वो अपना कौशल जो है चमत्कार करने का उसे शुरू करे. ही ट्राइज टू लुक सीरियस. और वह बहुत गंभीर दिखाई देने की कोशिश करता है. देन ही टेल्स जेन दैट द सर्वेंट इन जनरल आर अ बिट ऑफ न्यूसेंस. कि जो सर्वेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर क्या होते हैं? न्यूजेंस मतलब उपद्रवी होते हैं, झगड़ालू होते हैं. जेन सेज दैट मिसेज व्यू विसल इज़ वेरी लकी इन हर सर्वेंट्स. और फिर जेन कहती है कि नहीं नहीं, जो मिसेज व्यू विसल है वो तो नौकरों के मामले में बहुत ही खुशकिस्मत हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, स्ट्रिच हैज़ बीन विद हर फॉर सेवरल ईयर्स विदाउट गिविंग हर एनी ट्रबल. और फिर वो कहती है कि स्ट्रिच उनके साथ बहुत सालों से है और उसने उनके लिए कोई मुसीबत भी खड़ी जो है वो नहीं की है. शी थिंक्स दैट ही इज जॉयल एज अ बटलर. लुइस सेज दैट द सर्वेंट बिकम्स ट्रबलसम व्हेन दे स्टे विद अ पर्सन फॉर सेवरल ईयर्स. और वो सोचती है कि बटलर के तौर पे लुई जो है वो एक ज्वेल है. और जो लुइस है वो कहता है कि नहीं, जो सर्वेंट होते हैं ना, समटाइम्स जब वो किसी इंसान के साथ बहुत सालों तक काम करते हैं तो वो मुसीबत खड़ी करना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ ट्रू इन केस ऑफ स्ट्रिच. और स्ट्रिच के बारे में भी यही उसका विचार था. जेन कैंट बिलीव द एक्सेलेंट स्ट्रिच हैज़ प्रोड्यूस्ड अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन हिम. और जेन कहती है कि नहीं, स्ट्रिच ऐसा नहीं हो सकता कि उसने उसके लिए कुछ हार्मफुल जो किया हो. ही इज ऑफ द व्यू दैट सर्वेंट डूइंग द सेम टाइप ऑफ रूटीन ड्यूटीज आर लाइकली टू गेट सम रॉन्ग आइडियाज इन देयर हेड्स. अब लुइस उसको क्या कहते हैं? जेन को कहते हैं कि जो सर्वेंट्स होते हैं ना, काफ़ी समय से जो काम कर रहे होते हैं, सेम तरह की ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो कहते हैं उनके मन में ना कुछ गलत जो है
योजनाएं बनना शुरू हो जाती हैं, दे कुड बिकम इवन मैड, कहते हैं कि वो इस हद तक हो जाते हैं कि वो पागल भी हो जाते हैं। जेन सेज, जेन कहती है दैट स्ट्रिच हैज़ नॉट गॉन मैड, कि स्ट्रिच मैड नहीं है, पागल नहीं है। लुइस एग्रीज दैट स्ट्रिच इज कम्प्लीटली रिलायबल ऑन मोस्ट पॉइंट्स, और लुइस कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि स्ट्रिच बहुत सारे पॉइंट्स पे बिल्कुल रिलायबल है, विश्वसनीय है, बट ही इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू द मोस्ट ऑब्सिनेट डिल्यूजन, लेकिन उसे बहुत ही जो एक ऑब्सिनेट डिल्यूजन मीन्स अड़ियल भ्रम के अधीन है, जब आपको किसी के बारे में कुछ भ्रम हो जाता है। जेन वांट्स टू नो द टाइप ऑफ डिल्यूजन फ्रॉम द स्ट्रीच सफर्स, और फिर जेन जानना चाहती है कि अब जो स्ट्रीच है उसको किस तरह का भ्रम हो गया है। लुइस सेज, लुइस कहता है दैट हिज चिल्योज इन जनरली सेंटर अराउंड समवन स्टेइंग इन द हाउस, कि जब घर में कोई रहने के लिए आता है तो कहते हैं उसका उसके बारे में कुछ भ्रम बन जाता है, उसके अपने कुछ विचार होते हैं। वन स्ट्रीच लुक इट इन टू हिज हैड दैट मटिल्डा श्रिंघम हु वॉज हियर लास्ट समर, फिर वो कहता है कि स्ट्रिच के दिमाग में ना एक ऐसी बात आई कि जो मटिल्डा श्रिंघम जो यहाँ लास्ट समर में आई थी वॉज द प्रोफेट एलिजा, कि वो प्रोफेट एलिजा थी। ही वॉज एंग्री विथ हर, और वो उनसे क्या था, गुस्से था। क्यों गुस्से था? ही डिड नॉट अलाउ एनी चीज टू बी सेंट अप टू हर इन द मॉर्निंग, कि उसने इतने गुस्से में था कि उसने उनको सुबह कोई चाय वाय के लिए नहीं पूछा था। ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड हर वाइल ही वॉज हैंडलिंग राउंड द डिशेज एट द टेबल, और टेबल पर जब वो डिशेज को हैंडल कर रहा था तो उसने उसे बिल्कुल इग्नोर किया था, नज़रअंदाज किया था। सो पुअर मेटिल्डा हैड टू कट शॉर्ट हर विजिट, इसलिए जो बेचारी मेटिल्डा थी ना वो थोड़ी समय के लिए वहाँ रुकी थी। जेन सेज दैट इफ शी हैड बीन इन मेटिल्डाज प्लेस शी वुड नॉट हैव गॉन अवे, जेन कहती है अगर मेटिल्डा की जगह पर वो होती ना, वो जाती ना, ठीक है, क्यों नहीं जाती? शी शुड हैव प्लेस द बटलर इन सम वे, वो कहती है कि उसने बटलर को किसी ना किसी तरीके से खुश कर दिया होता। लुई सेज दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज वाइज टू ह्यूमर पीपल व्हेन दे गेट दीज आइडियाज इन टू देयर हेड्स, और फिर वो कहती है कि ऐसे लोगों के साथ मजाक करना ना अक्सर अच्छा नहीं होता जिनके दिमाग में ऐसा कुछ भ्रम हो। सच पीपल कुड बिकम वेरी डेंजरस, और ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जेन डज नॉट बिलीव दैट स्ट्रिच कुड बिकम वेरी डेंजरस, और जेन इस बात पे बिलीव ही नहीं करती है कि स्ट्रिच जो है वो खतरनाक हो सकता था। लुइस सेज दैट वन कैन नेवर बी सर्टेन, और लुइस कहता है कि किसी के बारे में कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही गेट्स सम आइडियाज अबाउट अ गेस्ट विच माइट टेक एन अनफॉर्चुनेट टर्न, और फिर वो कहता है कि हर एक गेस्ट के बारे में इसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता है जो कि बदकिस्मती से एक बहुत ही बदकिस्मत मोड़ ले लेता है। दिस सर्टेनली वरीज हिम एट प्रेजेंट मोमेंट, और इस समय भी उसको इसकी चिंता है। जेन आस्क्स लुइस स्ट्रिच हैज इफ स्ट्रिच हैज गॉट सम फिक्स्ड आइडियाज अबाउट हर, फिर जो जेन है वो पूछती है कि मेरे बारे में भी इसको कुछ भ्रम हुआ है। लुइस सेज दैट ही हैज, लुइस कहता है कि हाँ उसे भ्रम हुआ है तुम्हारे बारे में भी। ही थिंक्स दैट जेन इज द गोस्ट ऑफ क्वीन एन, और फिर वो कहता है कि वो सोचता है कि जेन ना जो क्वीन एन है ना उसका जो घोस्ट है, उसका भूत है, वो डाइड लॉन्ग बिफोर, जो कि बहुत पहले मर चुकी है, मतलब जेन को वो भूत समझता है। व्हेन स्ट्रिच सीज जेन ईटिंग एंड लिविंग हैप्पीली इन द हाउस ही फील्स अपसेट, और जब स्ट्रिच उस भूत को खाते हुए देखता है और खुशी खुशी रहते हुए देखता है उस घर में, तो कहते हैं कि वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। ही फील्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, और वो सोचता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है। दिस मेक्स जेन एंग्जियस, और ये जेन को परेशान कर देती है ये बात। शी आस्क्स लुइस इफ स्ट्रिच वुड टर्न टोटली अगेंस्ट हर ऑन द अकाउंट, तो वो उससे पूछती है कि क्या स्ट्रिच उसके अगेंस्ट भी हो सकता है उस अकाउंट पे, यानी कि वो ये समझ करके ये भूत है ना, ये समझ कर वो उसके अगेंस्ट डेडली हो सकता है, बहुत गंभीर स्थिति में भी हो सकता है। लुइस टेल्स हर दैट ही हैज सीन हिम लुकिंग फ्यूरियसली एट हर एंड मटरिंग समथिंग अबाउट हर दैट नाइट बिफोर, और फिर वो कहता है कि लुइस उसको क्या झूठ बोलता है, जेन को कहता कि मैंने ना एक रात पहले उसे ना उसके बारे में मतलब कुछ बड़बड़ाते हुए देखा था, और बड़ा अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रहा था। ही हैज हर्ट हिम से दैट शी शुड हैव बीन डेड लॉन्ग अगो,
और वो उसने उसे कहते हुए सुना कि उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, एंड दैट ही वुड सी टू इट, और वो इसके बारे में वो देख लेगा उसे. दैट इज़ वाई ही हैज़ मैंशन द मैटर टू हर. और कहता कि मैंने उसे ऐसा कहते हुए देखा था कि वो उसे देख लेगा, है ना. और कहता कि वो तेरे बहुत डेडली अगेंस्ट है, और इसीलिए कहता कि मैं तुझे बताना ज़रूरी समझा. अब उसने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, डरा दिया है. जेन वॉन्ट्स दैट मिसिज व्यू विसल शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट इमीडिएटली. और जेन चाहती है कि मिसिज व्यू विसल को इसके बारे में बिल्कुल उसी वक्त बता देना चाहिए. बट लुईस सेज दैट इट वुड अपसेट हर एज शी डिपेंड्स ऑन स्ट्रीट फॉर एवरीथिंग. लेकिन लुईस कहता है कि नहीं 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 उन्हें मत बताना, क्योंकि ऐसा बताने से वो अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि वो तो बहुत सब चीज़ों के लिए उस पर ही डिपेंड करती हैं. जेन फियर्स दैट स्ट्रिच माइट किल हर एनी मोमेंट. और अब जेन इतना डर चुकी है, वो सोचती है कि स्ट्रिच उसे किसी भी पल मार सकता है. इट इज़ डेंजरस टू बी इन द कंपनी ऑफ अ बैड बटलर. और फिर वो क्या भ्रमित हो जाती है कि इस बुरे बटलर की कंपनी में रहना बहुत जो खतरनाक होगा. लुईस टेल्स जेन दैट इट इज़ ओनली अ टेम्पोरेरी मैडनेस. और फिर लुईस कहता है कि ये जो मैडनेस है, पागलपन है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है. इफ़ शी कट्स शॉर्ट हर विजिट एंड कम्स टू दैम सम टाइम लेटर इन द ईयर, ही माइट फॉरगेट अबाउट क्वीन एन. और कहता है कि अगर वो यहाँ से जल्दी चली जाए, है ना, तो कहता है कि वो जो क्वीन एन है ना, उसके बारे में भूल जाएगा, कि वो फिर आ जाए लेकिन थोड़ा से समय बाद आए. जेन डज नॉट वॉन्ट टू कट शॉर्ट हर विजिट. और जेन नहीं चाहती कि वो पहले ही जाए. शी आस्क लुईस टू कीप एन आई ऑन स्ट्रीट्स एक्टिविटी एंड डू समथिंग टू अ चेक ऑन हिज वायलेंस. और फिर वो लुईस को कहती है जेन की तो ना इसके एक्टिविटीज़ पे ध्यान रख, कि ये किस तरह की एक्टिविटी करता है, कि कहीं ये बहुत ही खूंखार तो नहीं हो जाता. शी गोज आउट, हिंसात्मक तो नहीं हो सकता. शी गोज आउट टू राइट सम लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम. और वो सुबह कमरे में जो है वो कुछ लेटर्स लिखने के लिए जाती है. लुईस थिंक्स दैट जेन इज स्ट्रेंज टाइप ऑफ वूमेन. और लुईस सोचता है कि ये बड़ी अजीब तरह की औरत है. एट दिस टाइम मिसेज व्यू विसल कम्स इन. इसी समय जो मिसेज व्यू विसल है वो वहाँ आ जाती हैं. शी बिगिन्स टू लुक फॉर हर गार्डनिंग ग्लव्स. और वो अपने गार्डनिंग के ग्लव्स जो हैं, बागवानी के जो ग्लव्स हैं, उनको देखना शुरू करती हैं. शी आस्क लुईस दैट हाउ हिज मिरेकल इज वर्किंग. और फिर वो कहती है कि तेरा जो चमत्कार है वो कैसे काम कर रहा है. लुईस टेल्स हर दैट जेन डज नॉट वॉन्ट टू लीव. वो कहता है कि जेन नहीं जाना चाहती. मिसेज व्यू विसल टेल्स लुईस दैट शी वॉन्टेड टू टेल हिम दैट ही वॉज डूइंग समथिंग फ्रूटलेस एंड दैट जेन वुड नॉट लीव. और फिर मिसिज व्यू विसल कहती हैं कि वो उसे बताना ही चाहती थी कि वो जो भी करेगा ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, फ्रूटलेस रहेगा, क्योंकि जेन वहाँ से नहीं जाएगी. देन शी गोज थ्रू द विंडो ऑन द राइट. और फिर वो राइट में एक विंडो की तरफ जाती हैं. स्ट्रिच कम्स इन टू क्लियर अवे द ब्रेकफास्ट थिंग्स. स्ट्रिच अंदर आता है, वो ब्रेकफास्ट की चीज़ों को जो सफाई करने के लिए आता है. लुइस गेट्स बिजी इन क्लीनिंग द गोल्फ क्लब. और जो लुइस है वो गोल्फ क्लब को साफ करने में बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है. ही टेल्स स्ट्रिच टू टेक द ओल्ड बास्केट हेल्थ इट्स वॉट हैंगिंग ऑन द वॉल टू मिस जीन मार्टलेट एज शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स ब्लेड. वेस्टिज से कहता है कि वे दीवार पर लटकी पुरानी टोकरी से लदी तलवार को मिस जेन मार्टलेट के पास ले जाए, क्योंकि वह उसके ब्लेड पर शिलालेख की नकल जो है वो करना चाहती है. ही वॉन्ट्स हिम टू टेक द स्वॉर्ड विदाउट कवर सो दैट मिस जेन डज नॉट हैव द ट्रबल इन रिमूविंग द शीथ. और फिर वो कहता है कि जो स्ट्रीच है वो तलवार को बिना ढके ले जाए, ताकि मिस जेन को कमियान हटाने में परेशानी ना, जो उसका कवर है उसको हटाने में परेशानी ना हो. स्ट्रीच ओबेज हिम. स्ट्रीच अब क्योंकि वो सर्वेंट है, वो उसका कहना मानता है. लुईस स्टैंड्स अंडर द शेडो ऑफ द स्टेयरकेस. ही सीज जेन एंटर एट फुल रन शाउटिंग फॉर हिम. और स्ट्रीच उसकी बात को उसी तरह से मानता है. जैसे ही लुई जो है सीढ़ी के छाया के नीचे खड़ा होता है, वह देखता है कि जेन पूरी दौड़ती हुई जो प्रवेश कर रही है और उसके लिए चिल्ला रही है. शी रशेस अपस्टेयर्स एट टॉप स्पीड. और वो अपस्टेयर जाती है पूरी स्पीड के साथ, तेजी के साथ. स्ट्रीच एंटर्स एट टॉप स्पीड, स्वॉर्ड इन हैंड. और स्ट्रीच भी उसके पीछे उसी स्पीड से पीछे पीछे चला जाता है. किसके साथ? उस स्वॉर्ड के साथ. ही टेल्स लुईस दैट मिस मार्टलेट हैज स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम. और फिर वो कहता है कि मिस मार्टलेट जो है ना, वो अपने रूम में फिसल गई हैं.
शी हैज नॉट सीन हिम कमिंग, उसने उसे आते हुए देखा ही नहीं, मतलब फिसल गई नहीं है कि वो बहुत जल्दी से जो रूम में चली गई हैं उन्होंने उसे आते हुए देखा ही नहीं। शी सीम्स टू बी इन हरी, और कहते कि लगता है कि उन्हें मुझे बिना देखे ही चली गई और वो बहुत जल्दी में लग रही थी। लुइस सेज दैट शी हैज़ टू कैच अ ट्रेन, लुइस कहता है कि उसे अपनी जो ट्रेन है ना वो पकड़ने। अब होता क्या है कि अब लुइस जो है स्ट्रीच को कहता है कि वो जो तलवार है ना उस पे जो गुदा हुआ है जो शिलालेख है उसको वो नकल करना चाहती है जो चेन है, और उसके पास वो उसकी तलवार को नंगा करके लेके जाए ताकि उसे उसे खोलने में तकलीफ ना हो। अब स्ट्रिच तो अपनी जगह पे ठीक है, वो सर्वेंट है, वो लुइस का कहना मान लेता है और वो चेन के पीछे पीछे जाता है, लेकिन चेन क्या होती है उसको नंगी तलवार को देख के घबरा जाती है और वहाँ से भागती है। लेकिन स्ट्रिच फिर भी यही सोचता है कि शायद उसने उसको देखा नहीं है ना, और वो रूम से बाहर चली गई हैं। फिर वो कहता है कि वो जल्दी में लग रही थी, और फिर लुइस कहता है कि यस, वो मन ही मन सोचता है कि उसका जो आइडिया था उसको डराने का वहाँ से भगाने का वो पूरा हो गया। फिर वो कहता है कि उसने ना ट्रेन को पकड़ना है। ही आस्क्ड स्ट्रिच टू पुट द स्वॉर्ड बैक इन द शीट, और फिर वो कहता है कि इसको दोबारा जो उस कवर में डालने के लिए बोलता है स्वॉर्ड को। ही वुड कॉपी आउट द इंस्क्रिप्शन फॉर हर हिमसेल्फ लेटर, और वो कहता है कि उस पे जो शिला लेख है ना उसको वो उसके लिए खुद कॉपी कर लेगा। स्ट्रिच कैरीज द ब्रेकफास्ट ट्रे एंड लीव, स्ट्रिच जो है वो ब्रेकफास्ट ट्रे को लेके आता है और वहाँ से चला जाता है ब्रेकफास्ट ट्रे को लेके। द पेज बॉय कम्स रनिंग डाउन स्टेयर एंड आस्क टाइम टेबल एज मिस जेन मार्टलेट वॉन्ट्स टू लुक अप फॉर अ ट्रेन। अब पेज बॉय आता है वहाँ पर और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और भागता हुआ और कहता है कि जो मिस जेन मार्टलेट है ना वो जो टाइम टेबल है ट्रेन का उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ट्रेन का टाइम क्या क्या है। लुइस हेल्प्स द पेज इन फाइंडिंग द टाइम ऑफ द ट्रेन, अब लुइस जो है वो पेज की हेल्प करता है ताकि वो उसकी उसको ट्रेन का टाइम बताने में उसकी हेल्प कर सके। इट इज़ लर्न फ्रॉम द टाइम टेबल दैट द ट्रेन डिपार्ट्स एट 11:55, और फिर टाइम टेबल को देखने से पता लगता है, समय सारणी को देखने से पता लगता है कि जो ट्रेन है ना वो 11:55 पे वहाँ से निकलेगी। ही गोज टू द ड्राइवर, ड्राइवर के पास जाती है टॉमकिंस जिसका नाम टॉमकिंस है, एंड आस्क हिम टू ब्रिंग द कार क्विकली, और उसे कहती है कि जल्दी से वो कार लेके आए। द पेज कम्स डाउन स्टेयर्स अगेन टू फेच मिस जेन स्मार्टेस्ट गोल्फ क्लब्स, और फिर जो पेज फिर नीचे की तरफ आता है क्या लेने के लिए, मिसेस मार्टलेट के गोल्फ क्लब लेने के लिए आता है। लुइस गिव्स हिम हर कैप, लुइस उसे एक कैप देता है एंड द मोटर व्हील एज वेल, और उसे मोटर व्हील भी देता है। फॉर अ नोबल ऑफर्स ही गिव्स द पेज ऑल द 6 books लाइंग ऑन द शेल्फ, और फिर वो क्या कहता है कि वो उसे जो शेल्फ पे 6 books पड़ी होती हैं शायद जेन की होंगी वो उसे दे देता है। ही गोज राउंड द रूम क्विकली टू सी इफ एनी ऑफ मिस जेन्स बिलोंगिंग्स आर लेफ्ट, और फिर वो फिर से जल्दी से जेन के कमरे में जाता है ताकि उसे पता लगे कि कहीं जेन की कोई चीज़ तो यहाँ पे नहीं रह गई है। ही लुक्स एट हिज वॉच एंड इन द मीन टाइम द कार कम्स, वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और उसी समय क्या होता है कार आ जाती है। लुइस देन गोज टू इन्फॉर्म मिस जेन मार्टलेट अबाउट द अराइवल ऑफ द कार, फिर लुइस जो है वो जेन मार्टलेट को बताता है कि कार तो आ गई है। ही देन सेंड स्ट्रिच टू टेल हिज आंट इन द गार्डन दैट मिस मार्टलेट इज इन अ हरी टू गो एंड कैन नॉट स्टॉप टू से गुड बाय। अब ना वो उसको स्ट्रिच को कहता है कि वो उसके आंट के पास जाए, चाची के पास जाए और बता दे कि मिस जेन मार्टलेट ना बहुत जल्दी में यहाँ से जाना चाहती है और उसके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो उसे अलविदा बोल सके। स्ट्रिच लीव्स, स्ट्रिच चला जाता है। प्रेजेंटली मिसेज व्यू विसल कम्स इन, और फिर उसी समय मिसेज व्यू विसल वहाँ आ जाती हैं। शी इज कैरिंग अ लेटर इन हर हैंड, उसके हाथ में एक पत्र है, इट इज़ फ्रॉम डोरा, और ये डोरा के तरफ से है। शी कॉल्स लुइस, वो लुइस को बुलाती हैं। द साउंड ऑफ द कार इज हार्ड, कार का जो
शोर है वो सुनाई देता है. लुईस रशेस इन, लुईस अंदर भागता है. ही आस्क हिज आंट हाउ मच शी वुड लेंट हिम इफ शी गॉट रिड ऑफ मिसेस जेन मार्टलेट. वो कहता है कि वो कितने पैसे देंगे अगर वो जेन मार्टलेट से छुटकारा पा लेती हैं. मिसेज व्यूबिसल टेल्स लुईस दैट दे डो नॉट नीड टू गेट रिड ऑफ जेन मार्टलेट. और मिसेज व्यूबिसल कहती हैं कि अब उसे जेन मार्टलेट से छुटकारा पाने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोरा इज़ नॉट कमिंग. डोरा जो है वो नहीं आ रही है. लुईस फील्स डिसअपॉइंटेड. लुईस जो है वो बहुत निराश होता है क्योंकि उसने जेन को डराने की इतनी कोशिश की थी, इतनी मेहनत की थी, है ना, और जेन जाने के लिए तैयार भी हो गई थी और वो इवन जा चुकी थी. लेकिन लुईस बहुत ही डिसअपॉइंट होता है एंड ही सिंक्स इनटू द चेयर. और वो चेयर में बैठ जाता है निराश हुआ. हिज होप ऑफ गेटिंग अ लोन ऑफ 20 pounds इज शैटर्ड. और फिर उसका 20 pound लेने का जो होप होती है वो खत्म हो जाती है. सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्ले था जिसमें कि डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, जिसमें सबसे पहले आता था मिसेस व्यूविजल, उसके बाद लुईस कॉर्सेट आता है, फिर मार्टलेट आती है, फिर डोरा आती हैं, फिर स्ट्रीच आता है, फिर पेज बॉय आता है ना. तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं और फिर वो क्या क्या मतलब अपनी भूमिका कैसे कैसे निभाते हैं, क्या क्या सीन है, वो बड़े ही बारीकी से इस प्ले में जो है वो बताया गया है. और किस तरह से जो इसका एंड होता है वो बहुत ही हास्यास्पद है कि किस तरह से लुईस कॉर्सेट के इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो अपने मिरेकल करने में जो है सफल तो हो गया था लेकिन वो यूजलेस रहता है. क्यों यूजलेस रहता है? क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी थी कि डोरा वहाँ पे नहीं आ रही थी और जेन मार्टलेट को जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कैरेक्टर्स के बारे में. तो आई थिंक आपने ध्यान से सुन ली होगी, इस वीडियो को एंड तक देख लिया होगा, पता लग ही गया होगा. कुछ एक क्वेश्चन है जैसे हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जेन एंड डोरा, की जो जेन थी और डोरा थी उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा था. देवर लाइक एनिमीज विद ईच अदर. हाउ मच लोन डज लुईस कॉर्सेट वांट, और लुईस कॉर्सेट जो थे वो कितना लोन चाहते थे. ही वांट्स 15 pounds, उसको 15 pounds चाहिए थे. वट हैव डोरा एंड जेन क्वारल्ड ओवर, और जेन और डोरा जो थी उनकी लड़ाई किस बात पे हुई थी. दे हैव क्वारल्ड ओवर द प्राइस ऑफ अ हैन, एक मुर्गी के जो कीमत को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ था. किनके बीच में? डोरा और चेन के बीच में. वाई डिड लुईस कॉर्सेट फेल टू गेट अ लोन, लुईस कॉर्सेट फेल क्यों गया था? बिकॉज ही फेल टू गेट अ लोन बिकॉज ही फेल टू क्रिएट अ मिरेकल, कि वो एक चमत्कार करने में फेल हो गया था. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्ले द मिरेकल मर्चेंट बाय साके. आई होप कि आपने वीडियो एंड तक देख लिया और आपको समझ आ गया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.